हाय गाइस, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सभी भैर भाइयों के लिए राम राम। सो गाइस, हम आपको बताने वाले हैं जेड प्लांट का पौधा किस प्रकार लगाएं, कहां पर रखना है, किस प्रकार पानी देना है, कब खरीदना चाहिए और किस प्रकार इसकी कटिंग लगती है। तो गाइस, हम आपको बताने वाले हैं क्रासुला कब खरीदना चाहिए और इसकी कटिंग किस मौसम में लगती है, पानी इसमें कितना डालना चाहिए। हम आपको वन बाय स्टेप बताने वाले हैं। हमारी वीडियो शुरू से अंत तक देखें, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें, वीडियो देखें। फ्रेंड, क्रासुला का पौधा धन लक्ष्मी का पौधा होता है, ऐसे ही हमारा जेड प्लांट का पौधा है। आप जब भी इसको कटिंग से लगाएं तो आपको ध्यान रहे कैंची से या किसी भी सहायता से नीचे से बिल्कुल इसे एक सार काट लें। काटने के बाद एक या डेढ़ इंच के इसके पत्ते हटा दें। पत्ते हटाने के बाद जब उस चीज में लगाएंगे थोड़ा उसमें होल कर लें। होल करने के बाद थोड़ा इसमें आराम से रखें और मिट्टी से उंगली को हाथ से दबा दें, फिर थोड़ा इसमें पानी दे दें। पानी की मात्रा आपको आज दवा लगा दिया लगने के बाद फिर कल लगाना है, फिर इसमें चार दिन बाद आपको पानी लगाना है। यह पौधा आपका बरकरार चलता रहेगा। अब आपको यह पौधा कब खरीदना है, तो फ्रेंड जैसे मैं बताता हूँ हर वीडियो में, यह पौधा आपको शुक्ल पक्ष के महीने में मावस के बाद और पूर्ण मास के बीच में खरीदना चाहिए। यह पौधा आप उत्तर या पूर्व में रखेंगे तो अच्छा है, पर आपके पास यह जगह रखने के लिए नहीं है कोई भी, तो आप कहीं भी रख सकते हैं। यह धन लक्ष्मी का पौधा होता है। यह हमने एक पौधा लगाया था, इससे तीन पौधे तैयार कर दिए हैं। यह पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। अब आपको इसमें पानी का बहुत ही खास ध्यान रखना है। पानी अगर आप इसमें ज़्यादा देते हैं तो यह पौधा हमारा सूख जाता है। पानी की नमी बहुत कम रहे, ये बहुत ही थोड़ी मिट्टी सूखी में चलता है। अब हम आपको बताएंगे यह सर्दी के मौसम में कहाँ पर रखना है। तो जैसे हम तुलसी जी या कोई पौधा सर्दी के मौसम में रखते हैं, जैसे तुलसी को हम कपड़ा ढक कर रखते हैं, इसी प्रकार इस पर कपड़ा तो नहीं ढकना, पर इस पर पौधे को छाए में रखना है, क्योंकि ये पाले से थोड़ा ख़राब हो जाएगा। पाले में आप थोड़ा पानी दे देंगे तो हफ्ते में कम से कम एक बार सूखेगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइस, मेरा जो नेक्स्ट पौधा है समीप वृक्ष का पौधा। यह समीप का पौधा बहुत ही अच्छा होता है। आप जब भी इस पौधे को ख़रीदें तो यह पौधा शुक्ल पक्ष में ख़रीदना चाहिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। समीप वृक्ष के पौधे की कटिंग आप 6 से 8 इंच की लगा दें, जो इसकी ऊपर की शाखा होती है, फरवरी के महीने में, और आपकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। अब इस पे आपकी समी के अंदर फूल नहीं आता तो उसमें क्या काम करें, उसकी सुबह शाम खुदाई करें हफ्ते में 2 बार, और फिर आपकी समी पर फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका समी का पौधा अगर कम बढ़ता हो या ख़राब हो रहा हो तो उसमें थोड़ी गोबर की खाद डाल दें या वर्मी कंपोस्ट, उससे आपका समी का पौधा खूब बढ़ने लगेगा। और जब इस पर फंगस लग जाती है तो इसमें हल्दी का पानी में मिला के घोल डाल सकते हैं, नहीं तो कीड़े की दवाई डालेंगे तो यह पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। देखो, सर्दी का मौसम है, अब भी यह पौधा नई शाखा दे रहा है, तो इसमें हम समय समय पर खाद देते रहते हैं। जो इसकी मेन बात है खास, अब आपको हम बताने जा रहे हैं, जब भी इसका पौधा तोड़ो या पत्ती तोड़ो तो मांग कर तोड़ना। जैसे कि हम तुलसी माता से एक पत्ता मांगते हैं, जैसे कि हे समी वृक्ष, हमें एक पत्ता दे दो, हमें उस काम के लिए चाहिए। और आपका समी हमेशा हरा भरा रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगली वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।